Good morning, sir. Great, great. Fine. Where are you from? Delhi. First time Kashmir? Yeah, first time. How feeling Kashmir? It's like a heaven. और उसके बाद ये दोबारा से डाला जाएगा और पूरा करने के बाद इसको निकाला जाता है और ये निकाला है इन्होंने पहला लॉट. आप देख सकते हो कितना. तो ये देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा मीना बाजार है. ये भी दुकानें बंद है क्योंकि हम सुबह सुबह हैं एकदम बहुत. साग है भैया, साग. साग कितने रुपए किलो है साग? वो देख बनी, वो देख रहा साग. जबरदस्त भाई, जबरदस्त. तो भैया जी, आपको लेकर आए हैं आज हम दिखाने के लिए. सबसे पहले तो मैं शिकारा में पहले बैठ जाऊँ, हाथ पकड़ना. एशिया की ओनली वन, पूरे एशिया में एक ही ऐसी एक मार्केट है, वेजिटेबल फ्लोटिंग मार्केट. वहाँ जा रहे हैं, डल लेक में है और शिकारा में बैठे हैं, मुजफ्फर भाई के साथ जा रहे हैं और आपको दिखाने वाले हैं ये एक्सपीरियंस एक्चुअली में कि कैसा होने वाला है. तो बने रहो वीडियो के साथ. आप देखते रहो भाई कितना, -4 degrees है इस टाइम और सुबह के 7 बजे हैं अभी. और वहाँ पहुँचने में हमारे को कितना टाइम लगेगा मुजफ्फर भाई? 20 मिनट्स. 20 मिनट के बाद आपको जो नज़ारा दिखेगा ना, आप भी बोलोगे भाई ये एक्सपीरियंस अलग ही है. जन्नत में है इस टाइम. जी हाँ, श्रीनगर. तो मुजफ्फर भाई, सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा होता है यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट विजिट करने का? ज़्यादा रहता है बेस्ट, क्योंकि अभी सर्दी है ना, अभी टूरिस्ट कम जाते हैं यहाँ पे. अच्छा, माइनस रहता है सुबह के टाइम. हाँ, वो देख रहा है -4 आज. ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे. हाँ, 20-30 शिकारा होता है. अच्छा, वहाँ पे. तो गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हो ना यहाँ पे आने का वेजिटेबल मार्केट स्पेशली विजिट करने का, तो आप विंटर्स में मत ही आइए, समर्स में प्लान बनाना अपनी फैमिली के साथ, ताकि ये जन्नत का नज़ारा आप अपनी फैमिली के साथ देख सकें. Oh my God, wow. Great. यहाँ पे गुलाब के फूल के सीड्स मिल रहे हैं. ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है. 72 colors of roses. भाई साहब, rainbow. Have different. तो ये जो जहाँ पे आया है ना मैं इस टाइम अभी, ये डल की अंदर का एरिया है जो कि लोगों को बाहर से नहीं नज़र आता. अंदर घर भी बने हुए हैं यहाँ इस टाइम पर. यहाँ पे इस मतलब की जगह पे पानी का लेवल भी थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पे सारे घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं. तो बहुत अंदर तक जाना पड़ता है वेजिटेबल मार्केट के लिए. सबकी पर्सनल से कार है क्योंकि सबके घर हैं यहाँ पर. वो कहते हैं कि अगर बर्फ़ जम भी जाए ना लेक में, इस लेक में अगर बर्फ जम भी जाए तो ये जमी हुई लेक के अंदर भी ये नाव चला लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं अपना. ये देखो भाई, कौन सा सब्जी है आपके पास? मूली. मूली, ओहो हो, ये ऑलमोस्ट सब बिक चुका है. ये बर्फ़ देख रहे हैं, वाइट वाइट ये बर्फ है. ये है एशिया की ओनली वन फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट. यहाँ पे आप बोट में वेजिटेबल्स ये लोग आपस में ट्रेड करते हैं, आप खरीद भी सकते हो. इस बोट पर नदरू भी है उधर. हाँ, वो पूरा मंडी बना के लेके घूम रहा. ये होलसेलर है यहाँ पे. वो देखो इतना सारा सब्जी है, आलू भी है उसमें. क्या क्या है उसमें? ये देखो प्याज है, ये अनियंस है, वाइट अनियन, वाइट अनियन है. उधर लोटस टाइम सब कुछ है. वो देखा रहा पीछे वाले बस में ट्रेड कर रहे हैं ना जैसे, तो ये वो ट्रेड हो रहा है. ये जैसे जैसे कि मान लो कोई एक बंदा मूली की खेती करता है तो कोई लोटस टाइम की खेती करता ना, तो वो आपस में ट्रेड कर लेते हैं. देखो ट्रेड हो गया उनका, देख रहा है. ये रहा कावा. गुड मॉर्निंग सर. ग्रेट ग्रेट. Where are you from? Delhi. First time Kashmir? Yeah, first time. How feeling Kashmir? It's like a heaven. Heaven, heaven. Yes. Amazing. मेरे नाम मुश्ताक हुसैन आखू. What a smell, guys. मुश्ताक सर, कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं आप यहाँ? मेरा 8-9 साल. 8-9 साल से ये काम कर रहे हैं. और सुबह कितने बजे आते हो? बस इसी इसी टाइम पे. वाह, कितने का आता है एक क्लास? ये 50 रुपीज़ वाला.
-4 डिग्री में सुबह सुबह कावा मिल जाए वो भी हनी डाल। यार इट्स नॉट कावा, इट्स फ्लोटिंग कावा, इट्स फ्लोटिंग केसर कावा। देखो भाई साहब, फ्लोटिंग केसर कावा। अरे 50 रुपए का कप आता है, इतनी -4 डिग्री के अंदर तो भैया दो दो कप पी जाएंगे लोग। इस नहीं है अभी, ये शुरुआत है। शुरुआत है। अच्छा। अभी और भी आगे चले कलाम। अभी चिले कलाम भी तो शुरू हो गया ना आज से। बने रहिए वीडियो में क्योंकि आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। भैया ने इशारा दे दिया हमारे को। ये देखो भाई, बिस्मिल्लाह 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 करते हैं। और ये रहा भाई मेरा फ्लोटिंग केसर कावा। जी हाँ, ओहो भाई साहब, आरपुर मंडी से पूरी। ये देखो, ये आपस में डील कर रहे हैं, ये आपस में ट्रेड करते हैं। एक्चुअली पता है क्या है, क्या है कि शहर छोटा है, ठीक है, इस टाइम पे टूरिस्ट भी नहीं होता। मान लो अगर मैं आलू उगा रहा हूँ और मन्नी अगर पालक उगा रहा है तो हम दोनों आपस में ही ट्रेड कर लेंगे। ये है वो मूली, मूली है ना, ये कैसा शेप का मूली है। ये देखो, ये 5 तक आ गया बोट, एकदम 5 तक। ये है काली गाजर, लाल भी है इनके पास, लाल भी है, देख रहे हो। अभी हम मैगी खाएंगे बढ़िया से और आपको बताएंगे ये एक्सपीरियंस -5 डिग्री में मैगी जब मिलती है तो क्या हाल होता है, कैसा लगता है। तो ये देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा मीना बाजार है। ये भी दुकानें बंद है क्योंकि हम सुबह सुबह आए एकदम बहुत। तो ये देखो भाई, -4-5 था और अब 0 डिग्री हो गया, ठीक हो रहा थोड़ा क्योंकि सनराइज़ भी हो गया। कश्मीरी ब्रेड साथ में ऑमलेट, और इसके बाद आएगी मेरी मैगी। सुपर गुड, कहाँ मिलेगा ये एक्सपीरियंस, कहीं नहीं मिलेगा, उसके लिए कश्मीर आना पड़ेगा। तो ये देखो भाई, गर्मा गर्म मैगी, ऑमलेट खा लिया है और अब बारी है मैगी की। मतलब ब्रेकफास्ट हो रहा है, देख रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा। ओह भाई, मतलब ये नज़ारा तो मतलब कि अच्छा। हाँ देख, सामने देख रहे घर, कहाँ से निकल रहे हैं पता भी नहीं चल रहा, कहाँ से घुस रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं। यहाँ का डल लेक का मोहल्ला है, मोहल्ला आपका बन रहा है जी, गुज्जर मोहल्ला। तो ये देखो भाई, डल लेक के अंदर ट्रेडिशनल कश्मीरी ब्रेड कैसे बनती है वो दिखा रहे हैं आपको। ये डल लेक के अंदर देखो, बाहर हमारी शिकारा खड़ी है और ये हमारी ब्रेड बन रही है। अब ये प्रॉपर शेप दी जाती है हाथ से ही, सारा काम हाथ से होता। तो ये शीरमल की तरह है, हर टेस्ट और ये अलग है। ये देख रहा है, ये देखो भाई, गर्मा गर्म गिरदा, ये गिरदा है, ये देखो, ये है गर्मा गर्म एकदम कश्मीरी ब्रेड एकदम। इससे बढ़िया चीज़ और क्या लोगे आप, है ना बढ़िया बन्नी। साथ में मिल जाए चाय, नून चाय, या फिर मीठी चाय भी, तब भी बंदा खा ले इसका लेके। अच्छा, इसमें मक्खन लगा के खा लेते हैं, मक्खन जैम सब कुछ। अच्छा, परफेक्ट है। यहाँ पे आते हैं रोज लेने के लिए लोग, टूरिस्ट भी बहुत आते होंगे, है ना। ये देखो ब्रेड बास्केट है पूरी, इसके अंदर सारे गिरदा रखा हुआ है और ये लेके जा रहे हैं एकदम फ्रेश। 5 रुपए का एक पीस है, कोई भी आके ले ले, प्राइस यही है 5 रुपए। ये तो 10 रुपए है सर, बड़ा वाला, बड़े वाला 10 रुपए है, ये 5 रुपए है। ये देखो, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो डल लेक का अभी के लिए समाप्त होता है। अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको वैरायटी ऑफ, वो बताएंगे बाद में, अब वीडियो को एंड तक देखो। तो ये देखो भाई, डाउनटाउन के एरिया में आए हो, कहाँ पे आए हैं, ये कश्मीरी फिश खाने के लिए। और ये एकदम पूरा फ्राइड फिश है, बेसन का बैटर लगा के। कहाँ पर आए हो आप, पूरा वीडियो देखो, ये बनाया कैसे वो भी आपको नज़र आए। फिश ये देखो, ये है फिश, पूरी फिश, साबुत फिश। ये देखो, ये पूरा का पूरा बिन इसके सर के साथ, सर के साथ बन्नी। ओ फिश का साइज देखो, ये कौन सा फिश है, ये कश्मीरी फिश, कश्मीरी। ओ स्टाइल देखो, गरम तेल में स्टाइल, स्टाइल देखो, स्टाइल ये देखो, बहुत बढ़िया। तो कितनी जल्दी तैयार भी हो गया, ये तेल इतना गरम है। हाँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी होता है। अभी जब निकलेगा ना बाहर तब दिखाऊंगा, देखना कितना क्रिस्पी होगा।
50 साल हो गए -6 डिग्री के अंदर गर्मा गर्म कश्मीरी फिश के पकोड़े। भैया ऐसा एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा आपको? देखो बाकी सब भी पकोड़े हैं यहाँ पे, ये नहीं सिर्फ यहाँ पे ये मिलते हैं। एकदम इससे पहले कभी देखा है आपने ऐसा? नहीं भाई, पूरा फिश का नहीं देखा। पूरा फिश का दिल्ली में भी मिलते हैं फिश के पकोड़े, पर ऐसे नहीं, इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। नहीं भाई, इंडिया में क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। ये बैटर बेसन का होता है, ये देखो राइस होता है, कश्मीरी चावल का होता है। अच्छा, अभी उसको पहला लॉट हमारा निकल चुका है, गर्म है, देख रहे हो? ये देखो, ये फिश का सिर है। ये एक चीज है, ये सबसे बेहतर अच्छी तरीके से बनाता है कश्मीरी लोग। कश्मीरी लोग हर बार बाहर के लोग नहीं बना सकते हैं ऐसे। ये जो ताक होता है, एक एक्सपीरियंस होता है 50 साल का 60 साल का। जो ये स्नैक्स है, ये तो है ही चटनी, चटनी मेन चटनी, ये चटनी है, ये है। इस चटनी के अंदर क्या होता है? इसमें सब कुछ, इसमें होता है प्याज होता है, मूली होता है, और दहिया होती है, इसमें बहुत सारे वैरायटी होती है इसमें। ओके, मिला के। और एक चीज इसमें है, हम ये ग्राइंडर में नहीं बनाते हैं, पीसते हो? हाँ पीसते हैं, पहले सिलबट्टे पे, सिलबट्टे पे, हाँ सिलकर गोज आलू पकोड़े। पकोड़े किस चीज के? किस चीज के? ये प्याज के होते हैं, प्याज और बेसन के, बेसन। और ये, और इसमें उसको बोलते हैं आलू चिप, आलू, ये नादरू है, इसके बोलते हैं कश्मीरी में साग, साग। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? मछली। हाँ, ये पूरा साबुत मछली, गाढ़ा थोड़ा ना। ये देखो भाई, ये हमारा कश्मीरी फिश, गर्मा गर्म भाई, गर्मा गर्म, साथ में इनका ये स्पेशल चटनी, ये देख रहे हो भाई, ये विद पूरे मुंह के साथ बनाया होता है। और इस पर जो कांटे होते हैं ना, वो इतना बारीक होते हैं कि उसे खाया जा सकता है, वो लगता नहीं है। अब इसको टेस्ट करके बताएंगे आपको कि टेस्ट कैसा है इसका। तो अभी मैं, हमने ले लिया ये फिश और हम इसका टेस्टिंग करते हैं, बताते हैं आपको कैसा। पहले सिर ही निकाल लिया पूरा, पूरा सिर चटनी में डिप कर रहा हूँ मैं, और ये जा रहा है मेरे मुंह के अंदर। ओहो भाई साहब, बहुत क्रिस्पी है, बहुत गर्म है। ओहो, ये देखो भाई, ये है भाई कश्मीरी फिश, जो कि झेलम से पकड़ते हैं ना, ये झेलम नदी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और इनका चटनी जो इंसान है, वो चटनी बहुत कमाल का चटनी है, सुपर गुड वाला। करण भाई कैसा लग रहा है? इतना क्रिस्पी, क्रिस्पी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कश्मीर में लोगों का इवनिंग स्नैक्स है ये, बहुत बढ़िया वाला।